अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैर आफियत से हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखें। 3 से 4 टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आज के जनरेशन में। ये इवनिंग टाइम हो रहा है और इवनिंग टाइम का हमारा ये नाश्ता चल रहा है। मैंने सिर्फ बोला था आलू बड़ा लाने के लिए, और देखो मैंने मांगा क्या और क्या क्या मिल गया। क्या किस खुशी में और ये बंगाली नाश्ता हो रहा है, इसके साथ इसको भी मिक्स कर लो तब मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ, ये सैलेड भी, ये सैलेड बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। हाँ क्यों, कितना बोलने लग गई ना माशाल्लाह। कभी कभी इसकी बातें मैं सुनती रहती हूँ, है ना, तो माशाल्लाह कह देना, है ना। ये रही हमारी चाय गर्मा गर्म। चाय कैसी बनी आप बताए नहीं, कैसी बनी? अभी इनकी कॉमेडी चल रही थी, मिस हो गया। मैं बहुत टेस्टी बनी, मैं कैमरा में ले नहीं पाया ना। ऐसे भी चाय पिएगा? बोलो नहीं, बोलो मैं चाय नहीं पीती, बोल दो। इस पे थोड़ी सी दही हमारी बची हुई थी, इससे पहले भी हमने जमाया था, तो इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद में उसे ठंडा करके थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, गुनगुना करना है और इस पे ऐड कर लेना, और अच्छे से फेंट कर इसे ढक कर ओवरनाइट बाहर रख देना है। उसके बाद मॉर्निंग में इसे फ्रिज में रख देना है। इससे दही इतने ही मज़े की बनी थी, क्या बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की और बिल्कुल खट्टी बनेगी स्मूथी, जो बहुत ही मज़े की। और हम तो सुबह नाश्ते में दही रोटी ही खाने वाले हैं, क्योंकि परफेक्ट बन के तैयार हुआ था हमारा ये दही। चलिए फिर मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक पर, पॉइंट नंबर 1। जो चीज़ आप अपने माइंड में लेते हो ना, जो आप दिमाग में सोचते हो ना, तो वो सब कुछ होता है। तो इससे अच्छा पॉजिटिविटी जो होती है ना लाइफ में, आप अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छा अच्छा काम करें, ताकि आप जो सोच रहे हो ना वही होगा आपके साथ। पॉइंट नंबर 2, अपने अंदर एक ग्रेसफुल होना चाहिए और अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस वक्त अपने दिमाग को यूज़ करो, उसके बाद प्लानिंग करो किसके साथ कैसे जवाब देना है, कैसे हैंडल करना। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, घर के मसले मसाइल जो चलता रहता है, तो उसे कैसे हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा घर में शोर करके, चिल्ला कर, आप इसे कभी भी किसी को जवाब नहीं दे पाओगे। आप लड़के भी किसी को अपना पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी, रात का डिनर वगैरह होने के बाद में घर के कुछ काम थे, शाम के वक्त मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, आज सोफ़ा कवर वगैरह मैंने सारे वॉश किए थे, तो उसे मैंने घर पे ही ड्राई करके सुखा दिया है। उसके बाद घर के अच्छे से हमने पोछे भी लगाए, ताकि मुझे वहाँ पे अभी तहज्जुद की मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मुझे सोना है। तो यहाँ पे मैं, नाइट रूटीन मेरी ये है, मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करने के बाद मैं फेस वॉश करूँगी, वज़ू बनाऊँगी, उसके बाद मैं नमाज़ अदा करूँगी। माशाल्लाह से मैंने नमाज़ फिर अदा करी, और आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़, आप इतना अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, तो आप अस्तगफार अपने लाइफ में इस तरह अस्तगफार से जुड़ लीजिए कि आप जब भी घर पे काम कर रहे हो या फिर ऐसे ही बैठे हो, किसी से फालतू गुफ्तगू करने के बजाय अस्तगफार पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके लोगों को जैसे किसी बात को अपनी लाइफ में इस तरह से ले आते हो ना, अस्तगफिरुल्लाह, या फिर किसी को सॉरी बोल दिए, किसी की हेल्प कर दिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके लाइफ को पूरी
चेंज करने वाली हूँ। आप यकीन मानिए मैंने ये सब कुछ अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो रही थी। तो ये सब चीज़ें मैं अपने लाइफ में अप्लाई करने के बाद और एवरी डे मैं तहज्जुद की नमाज माशाल्लाह माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा सुकून फील होता है। आप यकीन माने, क्योंकि मैंने जब अपने ऊपर में सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ ना, तो मुझे एहसास हो रहा है मेरे अंदर एक सुकून सा फील हो। पहले मेरे अंदर से एक सुकून ख़त्म हो चुका था। तो ये छोटी छोटी आदतें मेरी लाइफ को चेंज कर रही है। मेंटल इशू जो थी ना, उससे मैं बहुत हद तक में बहुत हद तक मैं सही हो चुका है। मैं बिल्कुल फालतू चीज़ों पर मैं ध्यान देना छोड़ चुकी हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें। यहाँ पे देखिए सारे लोग सो रहे हैं और मैं नमाज अदा कर चुकी हूँ। अब मैं मॉर्निंग का वक्त ये होता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग हो गया था, मैं भी जाके सो गई थी। आई यू रेडी फ्रेंड्स? देखती हूँ कि कैसा जमा है हमारा ये दही। चलिए फिर स्टार्टेड। ये देखिए वाओ कितना अच्छा सा जमा है ना फ्रेंड्स, आई डोंट बिलीव इट। हाँ, पर इतना था कि परफेक्ट जमेगा। वाओ देख सकते हो कितना अच्छा सा थिकनेस आई है और बहुत ही अमेजिंग यार। मैंने सोचा मैंने इतना सोचा था कि जमा लूँगी, मैं जमा रही हूँ, बट इतना अच्छा सा जम जाएगा, आई डोंट बिलीव इट। जब आप किसी चीज़ को सोचते हो समझते हो तो बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करूं, तो उस वक्त पे आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी डायरी ले लो या एक कॉपी ले लो, आप सुकून से जगह पे बैठ जाए और बैठकर आपके मन में जो भी है आप उस पर लिख डालो, है ना। इससे क्या होता है कि आपके माइंड में जो भी चल रहा होता है ना, तो बिल्कुल आप अपने डायरी में कॉपी में लिख लेते हो और आपका माइंड जो होता है ना बिल्कुल हल्का हो जाता है। यहाँ पे दही हमने एक से आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया ठंडे होने के लिए। हमने रोटी भी तैयार हो चुकी है, तो आज हम सुबह के नाश्ते में रोटी और दही ही खाने वाले हैं। यहाँ पे हस्बैंड मॉर्निंग के वक्त बाहर गए थे तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेकर आए, तो मैं सब कुछ अपने जगह पे रख रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन में लगी पड़ी हूँ। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जब कोई खुशी का टाइम आता है तो हम दिल से फील नहीं कर पाते? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, बट देन हमें कोई टेंशन याद आ जाती है, बट देन किसी की फ्रेंड का कुछ याद आ जाता है, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये सारी बातें को लेकर हम दिमाग में क्या बहुत ज़्यादा बर्डन ले आते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी खुशियाँ ख़त्म होती हैं। तो ऐसा ना करिए, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो ना तो ढेर सारी मस्तियाँ करो, बहुत सारे इन्जॉय करो और ये बीती बातें भूल जाओ। जितनी भी निगेटिविटी है ना उसे अपने दिमाग से निकाल डालो ताकि आप अपने लाइफ में जी सको, है ना। और अस्तगफिरुल्लाह का तो बिल्कुल अपने उनसे दोस्ती कर लो, हर वक्त उठते बैठते पढ़ो, तो आप यकीन माने आपके लाइफ में खूबसूरती और इतनी ज़्यादा सुकून फील हो जाएगा ना आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश, तो फ़िश में मैंने ऐड किया है धनिया, अदरक लहसुन, ज़ीरा, मिर्ची, हल्दी पाउडर और उसके बाद एक चम्मच हम ले लेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो इससे क्या होता है जब इस पर मिक्स करते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। और इस पर नमक भी मैं ऐड कर लूँगी, साथ ही साथ मैं करेले की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये दोपहर का तैयारी हो रही है, सुबह नाश्ता तो हमने कर लिया था। यहाँ मैं अच्छे से इसे वाश कर लूँगी, दो से तीन बार अच्छे से मैंने वाश कर लिया। प्याज और करेले की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे हमने बघार के लिए निकाल लिया है ज़ीरा और सूखी मिर्ची, इससे मैं बघार लगाऊँगी और इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। इस पर बस नमक और स्वाद अनुसार नमक ले लेना है, हल्दी मिर्ची ज़रा सा ले लेना है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर मज़े की हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। बिल्कुल हाई फ्लेम में मैं इसे भूनूंगी। और यहाँ पे मैं निकाल के रखी हूँ सारे मसाले, मुझे दाल में तड़का लगाना है। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, उसके पास मसूर की दाल है, और यहाँ ज़ीरा, थोड़ा सा लहसुन, प्याज
और टमाटर, इससे मैं बघार लगाने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है, इसके साथ गर्म गर्म पराठा हो या लच्छा पराठा हो, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा दाल भी रेडी हो चुका है। मेरे न्यू व्यूवर्स बहुत सारे हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब अटेंडेंस लगा दें और कमेंट में बता दें मुझे कि आप न्यू व्यूवर्स हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे साथ किस तरह से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे फिश में जो मैं मसाले मिक्स करके रखे थे, उसे सबसे लास्ट में मैंने फ्राई किया ताकि मसाले अच्छे से अंदर तक अब्सॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमने अच्छे से कुरकुरा होने तक हमने फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा मन और थोड़ा सा काला नमक। इससे फ्लेवर इतनी ही मज़े की आती है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ आपको। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।